सबसे पहला जो बेनिफिट है कंपटीशन। अगर आप सारे सिस्टम को सॉफ्टवेयर में अगर डालना चाहते हो इन्वेस्टमेंट है। जैसे देखिए आज हम सारे जो कुछ आपको पढ़ाते हैं सब सिस्टम में डाल रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट है ना, स्टोरेज के लिए भी प्रॉब्लम्स है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं सारा कुछ सॉफ्टवेयर में करते हैं, क्यों? कि आज बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। और अगर सब कुछ अगर आप मैनुअल रखते हैं तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में काफी टाइम लगता है, बट अगर आप सब कुछ सॉफ्टवेयर में करते हैं तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाता है, ठीक है? तो आप कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। एफिशिएंसी, नो डाउट, एक बटन दबाइए सारा इन्फॉर्मेशन, परचेज का इन्फॉर्मेशन, सेल्स का, एडवर्टाइजमेंट का, सब कुछ आपके सामने है, एफिशिएंसी बढ़ता है। कॉस्ट सेविंग, मैनुअल कोई काम करने में जितना, हाँ ठीक है शुरू में आपको इन्वेस्टमेंट लगता है बट बाद में क्या होता है, कॉस्ट सेविंग हो जाता है। जो काम 10 लोग मिलकर कर रहे थे अगर आप सब कुछ कंप्यूटर में डाल देंगे तो वो 2-3 लोग मिलकर कर सकते हैं, तो कॉस्ट सेविंग है। इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन, मैनुअल में आपको एक 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 करके सारा लेजर मंगा के आपको इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगा, बट अगर मान लीजिए सब कुछ सॉफ्टवेयर में है तो आप वहीं पर एक साथ सब कुछ देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड सब कुछ मिला के आप देख सकते हैं। कोलैबोरेशन, क्या बोल रहे हैं जरा देखिए, इट इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट एंड ए क्रूशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। बहुत सारे जब डिपार्टमेंट्स रहते हैं तो सभी में एक दूसरे डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए। और अगर आपके पास सब कुछ सिस्टम में है तो तुरंत हो जाता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ना ही बढ़ना है लोगों का। फॉरकास्टिंग, अब किस समय कितना आपको सेल्स करना है, परचेज करना है। अगर आजकल ऐसा सॉफ्टवेयर निकल गया है, पहले देखिए हम लोग कॉस्टिंग में आपने पढ़ा है कि अगर आपको एक साल में 100 टन हर एक महीना लग रहा है तो एक साल में 1200 टन लगा, बट वहां पर आपने क्या करते थे, ईओक्यू निकाल के कितना मंगाना चाहिए एक मरते में, ईओक्यू एक मरते में कितना ऑर्डर देना चाहिए ये निकाल लेते थे, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो वो बता देगा कि एक मरते में कितना परचेज करना चाहिए, कितना सेल्स करना चाहिए, ये सारा कुछ बता देता है। तो इस तरह से ये सारे बेनिफिट्स हैं। बाकी अगर मान लीजिए अगर आप में तो ठीक है MCQ है, लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी में तो MCQ नहीं है, वहां पर क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है बेनिफिट्स ऑफ ERP, ई कॉमर्स लिखने के लिए आता है, तब आराम से वो सारे बेनिफिट्स को लिखेंगे, इतने सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। पॉइंट्स को लिखने के बाद 4-5-6 डील कर देंगे, मैंने यहां तक आपको बता ही दिया। अब फ्लेक्सिबल होता है ये सब तो आप जानते ही हैं।